मैंने एक बार फिर से मोबाइल पर डायरी के पन्ने की तस्वीर खोली। अपने एक लौटते बेटे की मौत से बड़े भैया का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पागलों की तरह पूरे घर में और गांव में दौड़ते फिर रहे हैं। जो भी मिलता उससे बस एक ही बात कहते, लोग तो बोलो मेरे बेटे को खा गई, तुझे भी खा जाएगी, भाग जा यहां से, भाग जा, भाग जा यहां से। गांव वालों को बहलाने के लिए हमने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया और गांव में ऐलान कर दिया कि सीढ़ियों से गिरकर सर पर चोट लगने की वजह से बड़े भैया पागल हो गए हैं, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। भोले भाले गांव वालों ने हमारी बात पर बिना कोई सवाल पूछे यकीन भी कर लिया। वैसे भी बड़े भैया ने कभी भी रक्तबोर्णों को अपनी कुलदेवी नहीं माना था और ना ही कभी उनकी पूजा में शामिल होते थे। उनका मानना था कि भगवान कभी भी लेन देन नहीं करते, उनके लिए बस निष्ठावान भक्ति ही काफी होती है। लेकिन अब हमारे परिवार का क्या होगा? इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा उसे? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं देवी ने ही रुष्ट होकर तो इंद्रनील की बलि नहीं ले ली? ये तो वही बता सकती थी। 11 नवंबर 2022। बिना घर पर किसी को बताए आज मैं अकेले ही मंदिर चला गया, लेकिन वहां जो हुआ उसके लिए मैं तैयार नहीं था। देवी, क्या हमसे कोई भूल हुई है? आप हमसे रुष्ट क्यों हैं? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुझसे रुष्ट हूँ? आपकी दिन रात निष्ठा से पूजा करने के बावजूद परिवार में सुख नहीं है, व्यापार में भी नुकसान हो रहा है और हमारा इंद्रनील भी हमें छोड़कर चला गया। हमसे क्या त्रुटि हुई है देवी? इतना कुछ दिया है मैंने तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों ने मुझे क्या दिया है? सदियों से बस लेते चले जा रहे हो, बिना कुछ लिए बस देते जाओ। इंद्रनील वापस चाहिए। मैं देवी की बात सुनकर हैरान था। अब और क्या चाहिए था उसे? मैं 3 बलियां लूंगी। अगले साल चतुर्दशी की रात को 3 बलियां चाहिए मुझे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरे पूरे परिवार के खून से नहाऊंगी मैं। 3 बलियां? मैं वचन देता हूँ मैं 3 बलियां दूंगा, लेकिन हमारे इंद्रनील को पुनः जीवित कर दो। जीवित तो नहीं, पर उसकी आत्मा को तेरे साथ भेज रही हूँ। लेकिन याद रहे, घर के अंदर सिर्फ परिवार के सदस्यों को और बाहर सिर्फ उसके प्रियजनों को ही दिखाई देगा वो, बाकी किसी को भी नजर नहीं आएगा वो। 1 साल बाद जब मुझे मेरी बलि मिल जाए, मैं उसे पुनः जीवित कर दूंगी। तब तक उसकी लाश मेरे पास यही मंदिर में रहेगी। पर ध्यान रख, तूने वचन दिया है और अगर तू मुकरा तो इसका परिणाम भयंकर होगा। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। तो फिर सुन, अब से हर साल भूत चतुर्दशी से 2 रात पहले तेरे परिवार के किसी सदस्य की बलि लूंगी। दूसरी रात घर में बाहर से आए अनजान व्यक्ति जिसे परिवार के सदस्य का दर्जा दोगे उसकी बलि लूंगी। और तीसरी और आखिरी रात यानी भूत चतुर्दशी पर इंद्रनील की सबसे प्रिय वस्तु और परिवार के सबसे नए सदस्य की बलि लूंगी। लेकिन अगर किसी भी पल मेरी पूजा या फिर बलि में कोई भी त्रुटि हुई तो उसके परिणाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। डायरी का वही आखिरी पन्ना था, इसके आगे और कोई एंट्री नहीं थी। जो कुछ भी मैंने पढ़ा था उससे मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मेरे दिमाग में कई बातें दौड़ने लगी, पर जब मैंने कड़ी दर कड़ी छोड़नी शुरू की तो जिंदगी में पहली बार मेरी रोह कांप गई। काकू, जादू दिखाओ ना। घर के अंदर सिर्फ परिवार के सदस्यों को और बाहर सिर्फ उसके प्रियजनों को ही दिखाई देगा वो,
बाकी किसी को भी नजर नहीं आएगा वो। मतलब उस दिन जब मैं इंद्रनील के साथ खड़ी में था तो गांव वाले मुझे इसीलिए हैरानी से देख रहे थे क्योंकि गाड़ी में मेरे सिवाय कोई और था ही नहीं, और टैक्सी वाला परिवार का नहीं था तो इसलिए उसे भी वो नहीं दिखा। भूत चतुर्दशी से दो रात पहले तेरे परिवार के किसी सदस्य की बलि लूंगी। कोई देवी वेवी नहीं है वो, अंधकार के गर्भ से उभरी सभी पिशाचिनियों की स्वामिनी और स्वयं मृत्यु का स्वरूप है। परिवार का सदस्य इंद्रनील के पिता रक्तवर्ण की पहली बलि। दूसरी रात घर में बाहर से आए अनजान व्यक्ति जिसे परिवार के सदस्य का दर्जा दोगे उसकी बलि लूंगी। पहले दिन से ही परिवार के सारे सदस्यों ने मुझे इसी परिवार का हिस्सा मान लिया और बहुत प्यार से रखा। बाहर से आया परिवार का सदस्य रक्तवर्ण की दूसरी बलि, मतलब आज परितोष की बलि हो रही थी तो रक्तवर्ण की तीसरी बलि कौन है? और तीसरी और आखिरी रात यानी भूत चतुर्दशी पर इंद्रनील की सबसे प्रिय वस्तु और परिवार के सबसे नए सदस्य की बलि लूंगी। भाई एयरपोर्ट से सीधा गांव आना पड़ा, घर पर कुछ जरूरी काम था। अच्छा तो गुस्सा कर ले, वैसे भी तू तो मेरी सबसे प्यारी चीज है मेरे भाई। प्रणाम काका बाबू। आओ बैठो बेटा, तुम भी तो अभी इस परिवार के सदस्य हो। अब तो तू भी इसी परिवार का सदस्य है मेरे सबसे प्यारी चीज मेरा भाई। आओ बैठो बेटा, तुम भी तो अभी इस परिवार के सदस्य हो। ये मैं कहां फंस गया, मुझे ऐसा भागना होगा। मैं कुर्सी से तेजी से उठा और फटाफट से अपना सामान पैक करने लगा। परितोष वहां से जा चुका था, मुझे भी भागना था। घर पर इस वक्त कोई नहीं था, यही सही मौका था उस गांव और उस हवेली से बाहर जाने का। लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही गिद्धों की आवाजों ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। ये छत पर इतने सारे गिद्ध क्यों मिटा रहे हैं? मैं सीढ़ियों से होते हुए जब हवेली की छत पर पहुंचा तो मेरे शरीर का खून ठंडा पड़ गया। मेरे सामने दीवार पर कीलों से टंगी हुई परितोष की लाश थी। उसकी आंखें नीचे जमीन पर पड़ी थी, जीवा को जैसे खींचकर किसी ने शरीर से अलग कर दिया हो। इसका भी आधा शरीर नीचे जमीन पर पड़ा था। कमर के नीचे से लटकते हुए आंतों से आती मौत की दुर्गंध हवा में चारों ओर फैल चुकी थी। उसके सीने से दिल भी गायब था। हे ईश्वर, मैं अब तक ये सोचकर खुश हो रहा था कि परितोष वहां से जल्दी निकल गया था और अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था। लेकिन नहीं, परिवार छत पर कोई अनुष्ठान नहीं कर रहा था बल्कि जीते जागते के इंसान को तड़पा तड़पा कर मार रहा था। बेचारे की जीवा निकाल दी ताकि वो चीख न सके। कीलों से ठोक कर शरीर को दीवार पर टांग दिया ताकि वो भाग न सके। ऐसी दर्दनाक मौत ऊपर वाला किसी को ना दे। मुझे यहां से जल्द जाना ही पड़ेगा। रक्तवर्ण अपनी दूसरी बलि ले चुकी थी, अब मेरी बारी थी। मैं हाथ में अपना बक्सा लिए तेजी से छत की सीढ़ियों से नीचे दौड़ते हुए हवेली के दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा खोलकर मैंने अपना पैर चौखट के बाहर रखा ही था कि सर पर एक तेज वार का एहसास हुआ और फिर सिर्फ अंधकार। आंख खुली तो मैंने खुद को पेड़ से बंधा हुआ पाया। पैरों के नीचे नरम घास और गीली जमीन थी। सर में काफी दर्द हो रहा था। पैरों पर से सर सराते हुए कोई चीज गुजरी तो एहसास हुआ कि कोई सर था। आसपास देखा तो चांद की रोशनी में मंदिर जैसा कुछ नजर आ रहा था। धीरे धीरे जब चीजें मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगी तो मृत्यु का भय मेरे मन में तीव्र गति से दौड़ रहा था। ये तो वही पेड़ था जिसके पास आज से सैकड़ों वर्ष पहले रक्तवर्णों ने अपनी सबसे पहली बलि ली थी, उस मासूम शक्ति की। और आज मैं भी उसी पेड़ से बंधा हुआ था, बेबस। मेरे पैरों के सामने भी वैसे ही मशाल जल रही थी जैसे कि उस दिन शक्ति के पैरों के पास थी।
अंधकार बढ़ता जा रहा था और साथ ही हवा में रक्तबर्णों के होने का एहसास भी। परिवार के सदस्य हो और परिवार के लिए क्राइम नहीं करोगे? अंधकार में थोड़ी दूर एक साया दिखा। वो साया चलकर थोड़ा आगे आया तो काका बाबू थे। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? शहर में मेरी बीवी, मेरे बूढ़े पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जाने दो, जाने दो। फिक्र मत करो, अगले साल उनमें से एक को तुम्हारे पास पहुंचा देंगे, उसके अगले साल दूसरे को, जब परिवार के सबसे नए सदस्य और प्रियजन की जरूरत पड़ेगी तब। उनसे दूर रहना, एक बार मेरे हाथ खोल दे फिर तेरी उस देवी को तेरे ही खून से नहला दूंगा। अपने स्वार्थ के लिए आज तक कितनों की बलि दी है तुमने, और उससे भी मन नहीं भरा तो अपने ही भाई की बलि चढ़ा दे। अपने स्वार्थ में परिवार, रिश्ते, नाते सब भूल गए। अरे ही दुनिया तो मेरे बचपन का दोस्त है, भाई जैसा है मेरे लिए। एक बार कह देते तो हंसते हंसते अपनी जान दे देता, लेकिन तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारे दुख से कहीं अधिक है। नर्क की आग में सड़ोगे तुम सबके साथ। आए चुपका, मैं तो एक खुरी वाला कटर हूँ। अरे दर्द मशाई, इतना गुस्सा नहीं करते। इंद्रोगी की माँ हाथों में सिंदूर से भरी थाली लिए मेरी ओर चली आई और मेरे सारा चेहरे को सिंदूर से रंग दिया। तू भी तो मेरे बेटे जैसा है, आवा सोना छेले। हाँ, कैसी माँ हो, अपने मरे हुए बेटे को जीवित करने के लिए किसी और के बेटे की बलि देने जा रही हो। बेटे जैसे हो, बेटे नहीं, अपना खून आखिर अपना खून होता है। तू धिक्कार है तुम पर, अपने सुहाग की बलि देते शर्म नहीं आई, और उस गरीब को यहाँ बुलाकर मार डाला तुम सबने। पति, उस नपुंसक को पति कहते हो? उसकी बात सुनकर हैरान था मैं। सही सोच रहे हो तुम, वो इंद्रनील के पिता नहीं, ये हैं। काका बाबू जी, मेरे बड़े भैया हर महीने में नपुंसक थे, बच्चा तो पैदा कर ही नहीं पाए, ऊपर से परिवार के हित में कोई फैसला लेने कोई मामलों में भी हमेशा नपुंसक ही रहे। यहाँ तक कि सदियों से चली आती प्रथाओं को भी मानने से मना कर दिया, उन्हें तो बलि चढ़ना ही। और परितोष, उसने क्या बिगाड़ा था तुम सबका? परितोष, हम जैसे अमीरों के पैर की धूल होते हैं ये गरीब, ये तो पैदा ही होते हैं मरने के लिए। इस साल परितोष था, अगले साल कोई और होगा। इंद्रनील के काका और उसकी माँ की बातें सुनकर घृणा आने लगी थी मुझे। पूजा समाप्त हो चुकी है, रक्तबर्णों को हमारा प्रणाम देना। मंदिर से परिवार के बाकी सदस्य एक एक करके बाहर निकल आए थे और उस वक्त सब के सब मेरे सामने खड़े थे, लेकिन किसी के भी चेहरे पर कोई दुख, पछतावा या फिर दया का कोई भाव नहीं था। वो सारे तो कब के अपनी इंसानियत खो चुके थे, यहाँ तक कि मुझे वही अकेला छोड़कर वो सब के सब जाने लगे। अब उस जगह पर मेरे और तेज होते मेरे दिल की धड़कनों के सिवाय और कोई नहीं। पैरों के पास जलती मशाल भी अब धीरे धीरे बुझने लगी थी। मुझे जल्द से जल्द इन रस्सियों से छुटकारा पाना था। मंदिर के अंदर से पायल की आवाज आ रही थी, कोई आ रहा था। मेरी सांसें, मेरी हलक में अटक गई थी। ओम भीम काली, ओम भीम काली, ओम भीम काली। मैं माँ को बुला रहा था ताकि वो मुझे इस मुसीबत से उबारे। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह मैं उन रस्सियों से खुद को छुड़ा पाया। मैं बहुत थक चुका था, ऊपर से सर पर हुए वार की वजह से बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर माँ के नाम का जाप करते हुए मैं वहां से भागा। ओम भीम काली, ओम भीम काली, ओम भीम काली। कोई तो मेरा पीछा कर रहा था और इस अंधेरे में मुझे रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा था।
बस शेर के जबड़ों से बचते हुए किसी हिरण की तरह बेसुध होकर दिशाहीन भाग ही जा रहा था, लेकिन मैं कहीं भी जाता वापस उसी मंदिर के सामने पहुंच जाता। शायद मेरा अंत अब निकट था। मैं थक कर रुक गया। पीछे मुड़कर देखा तो वही थी, वो आ गई थी मुझे लेने, 9 फुट लंबी खून में सनी हुई। रोक तो बांधो, मर तो मुझे तभी जाना था। मेरे दिल की धड़कनों को रोकने के लिए उसका वो भयानक स्वरूप ही काफी था, पर कुछ था जो मुझे अभी भी जिंदा रखे हुए था। तो चूहे बिल्ली का खेल कैसा लग रहा है? भाग, भाग ना। उसके गले पर लटकती रक्तमणियां इंसानी दिलों की तरह धड़क रही थी। एक बली, एक मणि, वो सब आज तक उसके रक्त पिपासा के हाथों चढ़े इंसानों के दिल थे। उसके शरीर का जमा हुआ खून हमारे अंदर छुपे हुए भय का प्रतिबिंब था। माथे पर केश के रूप धारण किए हुए असंख्य सर्प इंसान के क्रोध, घमंड, लालच और स्वार्थ का प्रत्यक्षीकरण था। और पलक झपकते ही सुंदर तो कभी कुरूप और भयंकर होता चेहरा हम इंसानों के दोगलेपन का प्रतीक। भय से मेरा खून जमा हुआ था, लेकिन एक बात मुझे समझ आ गई थी कि वो ठीक हम इंसानों की तरह ही क्रोध, घमंड, लालच, दोगलेपन और कभी ना खत्म होने वाली स्वार्थ और प्यास का जीता जागता प्रमाण थी, और वो नहीं रुकने वाली थी। मैं अब और नहीं भाग सकता था, लेकिन अपनी माँ का नाम जपना मैंने तब भी नहीं छोड़ा था। मेरे मुख से निकलती हवा में गूंजती हुई काली का नाम सुनकर उसका गुस्सा चरम सीमा पर था। उसका जबड़ा खोला, मेरी आंखें बंद थी। देवी या राक्षसी जो भी थी, उससे लड़ पाना मुझ साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। जमीन पर लगी मशाल बुझ चुकी थी, बादलों ने चांद को ढक रखा था और रोशनी का एक कतरा भी नहीं था। बस था तो मैं, मेरा अंत और घनघोर अंधेरा। बचपन से माँ की आराधना की थी तो बस आखिरी बार मन में उनको याद करके मैंने खुद को मृत्यु को समर्पित कर दिया। मेरा जाना अब निश्चित था। অন্ধকারে যদি ভয় করে না, ঘাবড়াবি না, আমি আছি। ওই ওই আওয়াজ। मैंने अपनी आंखें खोली तो रक्तवर्ण किसी को देख रही थी। हमसे थोड़ी दूर एक औरत की आकृति नजर आई। नाक से होते हुए सर तक जाते लाल सिंदूर में नहाया हुआ माथा, भीषण चेहरे पर रक्त लाल आंखें, पूरी तरह से अपनी जीवा बाहर किए हुए उलू देती वो औरत की 10 भुजाएं अस्त्र शस्त्र से परिपूर्ण थे। वातावरण में इतनी ऊर्जा थी कि मैं चाहूं भी तो उसका उल्लेख नहीं कर सकता। उस आकृति के आगे बढ़ते ही धरती कांपने लगी। पहली बार मैंने रक्त वर्णों के चेहरे पर अट्टहास और घमंड के बजाय भय का अवकाश होते हुए देख रहा था। मैं जमीन पर अपने हाथ जोड़े रोने लगा। मेरी माँ आ गई थी। मेरी माँ आ गई थी। मेरी बलि चुराने आई है काली, आखिर तू आ ही गई। मुझे पता था तू आएगी। उन्हें मेरे लिए यूं रक्त वर्णों से लड़ते देख मैं स्तब्ध था। माँ स्वयं आई थी मेरे प्राणों की रक्षा करने। पूरा वातावरण भीषण बिजली की गरज से नहाया चुका था। रक्त वर्ण भी क्रोध से एकदम पागल सी हो गई थी। अब एक नहीं, वहां कई सारी रक्त वर्ण थी। माँ
माँ और अक्टोबर्नो के टकराव से निकलती ऊर्जा ने पूरे समय चक्र को उथल पुथल करके रख दिया था। मैं वो देख सकता था जो कोई और नहीं देख सकता था। अपने छोटे बच्चे की बलि रोकती उस माँ के चेहरे से टपकती हर एक आंसू का कतरा। एक हारा हुआ बाप जो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते मंदिर तक आ पहुंचा था और फिर वहां से जीवित न लौटा। उस मंदिर का बनना, फिर उसका श्रापित होना, ऐसा लग रहा था कि समय चक्र कभी आगे तो कभी पीछे दौड़ रहा था। महाकाली का हर वार रक्तवर्णों के शरीर को चीरते जा रहा था, जैसे कि आज काली युद्ध नहीं बल्कि मृत्यु का नाच कर रही हो। काल चक्र के आगे पीछे होते दृश्य को देखकर एक चीज मेरी समझ में आ गई थी कि माँ सिर्फ मेरे लिए नहीं आई थी, वो उन सब के लिए आई थी जिन्होंने भी उसको पुकारा था। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं जिंदा था। महाकाली का ऐसा भयंकर रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। काली के हर एक वार में भयंकर क्रोध छुपा था, इतना कि वो शायद उस दिन सिर्फ रक्तोबर्णों का ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ दुनिया का भी अंत कर देती। मैं भय से पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। जब माँ ने मेरी ओर देखा तो जैसे बिन कहे ही उन्होंने मुझे बहुत कुछ कह दिया। उस एक ही पल में मेरे मन में छुपे भय का भी वध कर दिया था माँ ने। लड़ते लड़ते माँ और रक्तोबर्ण उसी मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। अंदर शस्त्रों के टकराव से निकलती आग और चिंगारी से वो मंदिर कभी रोशनी में नहाता तो कभी फिर से अंधकार में डूब जाता था। फिर एकदम से एक चीख के साथ अंदर से आने वाली सारी आवाजें बंद हो गई। मैं उस मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर के कपाट के पास पहुंचते ही मैं अपने हाथ जोड़े अपने घुटनों के बल बैठ गया। जमीन पर पड़ी थी अपनी आखिरी सांसें गिनती वो राक्षसी रक्तोबर्णो, और उसकी छाती पर पैर रखे प्रचंड गुस्से में खड़ी थी देवी महाकाली। आज दिवाली की रात माँ वध करने नहीं बल्कि खुद बलि लेने आई थी। पाप की, अहंकार की, स्वार्थ की, लालच और दोगलेपन की बलि। और फिर देखते ही देखते महाकाली ने एक भीषण आवाज निकालते हुए अपनी खड़क से रक्तोबर्णो का सर धर से अलग कर दिया और अपने खप्पड़ में उसका खून भरकर रक्तपान किया। एक हाथ में खड़क, एक में रक्तोबर्णों के खून से भरा खप्पड़, एक हाथ से आशीर्वाद देती और एक हाथ में रक्तोबर्णों का कटा हुआ मुंड धारण किए हुए देवी काली का वो रूप मैं कभी नहीं भूल सकता। माँ शांत हो चुकी थी और मेरे ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए मेरे पास से गुजर गई। मैंने मुड़कर देखा तो अंधकार में वापस लीन हो चुकी थी। অন্ধকারে যদি ভয় করে না ঘাবড়াবি না আমি আছি। मुझे ये पहले कैसे समझ में नहीं आया, जिस अंधकार से मैं बचपन से घबराता रहा महाकाली स्वयं वो अंधकार है और प्रकाश भी, और जहां काली है वहां भय कैसा। उन फोन कॉल्स का आना, खराब पड़ी टैक्सी के पास खेतों में उस आकृति का दिखना, उस सपने का आना और उस पागल का मुझे चेताना, शायद माँ मुझे आने वाले खतरे से आगाह कर रही थी। मैं ही नहीं समझ पाया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। मुझे बैनर्जी परिवार को उनके किए की सजा देनी थी। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, पुलिस को लेकर जब मैं वहां पहुंचा तो वहां जो हो रहा था उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। घर के सारे सदस्यों की कटी फटी लाशें यहां वहां जमीन पर बिखरी पड़ी थी और उन्हीं लाशों के बीच बैठे काका बाबू और इंद्रनील की मां पागलों की तरह उन लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। अगर पूजा में किसी भी पल किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि हुई तो परिणाम के जिम्मेदार ये खुद होंगे। कितनी अजीब बात थी कि मजबूरी में उठाया गया एक कदम कब स्वार्थ में बदल गया इस परिवार के सदस्यों को पता ही नहीं चला, और आज उसी स्वार्थ को पूरा करते करते पूरा परिवार खुद ही उस स्वार्थ की बलि चढ़ गया और ये गांव इस परिवार के रचाए स्वांग का। मैंने अपना बैग लिया और उस हवेली से बाहर निकल आया। मेरा वहां और कोई काम नहीं था। आज दिवाली की रात थी। कुछ पटाखे लेकर आया था कलकत्ते से। थोड़ी दूर चलने पर देखा गांव वाले अब भी उस परिवार के रचाए स्वांग से अनजान उस रक्तोबर्णों के नाम से पटाखे फोड़ते हुए उसके नाम का गुणगान कर रहे थे।
उस गांव में सब काली को भुलाकर अज्ञानता में डूब चुके थे, पर मैं नहीं। माँ माँ ये तेरे लिए। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर।